हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोका। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनीज की। किडनी दो होती हैं, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से मीजोनेफ्रिक होती है, बीन शेप, डार्क रेड कलर्ड। दीज आर लोकेटेड इन द पोस्टर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ मिलेंगी। हर किडनी के अंदर 2000 नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। आइए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं। ये है बोमेंस कैप्सूल और ये है एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल, और ये लॉन्ग कॉइल ट्यूब्यूल खुल रहा है एक और ट्यूब्यूल में, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये हुआ बोमेंस कैप्सूल, ये हुआ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल और ये हुआ ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। बोमेंस कैप्सूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल मिलकर के बनाते हैं नेफ्रॉन। दिस इज नेफ्रॉन। यदि हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो एफरेंट आर्टेरियोल यहां पर आएगा, ग्लोमेरुलस या टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाएगा और एफरेंट आर्टेरियोल यहां से निकल जाएगा और फिर इसी से फिल्टर होकर के बोमेंस कैप्सूल में नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनेगा, जो फाइनली यूरिन में कन्वर्ट होकर ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में चला जाएगा। तो यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन करते हैं, यूरिन को फाइनली ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पोर करते हैं। या हम देख पा रहे हैं ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हैं, वो फिर पोर करेंगे लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में और ये लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फाइनली यूरिनोजेनाइटल डक्ट में जाकर के पोर कर देंगे। तो यूरिन का फ्लो होगा सबसे पहले नेफ्रॉन से स्टार्ट, फिर ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यहां हम देख सकते हैं ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, उसके बाद वो क्लोका में जाएगा और फिर यूरिन ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट यूरेटर्स। यूरेटर्स इन मेल फ्रॉग कैरी यूरिन एंड स्पर्म्स बोथ, सो टर्म्ड एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंडिंग इन क्लोका। यूरेटर्स इन फीमेल फ्रॉग कैरी यूरिन ओनली, इसलिए फीमेल के अंदर ये यूरेटर सिर्फ यूरिनरी डक्ट होते हैं, न कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तीसरा पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज थिन वॉल्ड, लोकेटेड वेंट्रली टू रेक्टम एंड ओपन इन क्लोका। फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है और टैटपोल लार्वा एक्वेटिक है प्योरली, इसीलिए वो अमोनोटेलिक है। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।